Hi friends, welcome on Yourpedia, and let's discuss about the shortlisting of the candidates for the interview by Odisha Public Service Commission for the post of Assistant Executive Engineers. So 82 candidates have been shortlisted for Assistant Executive Engineer, which is a very very prestigious job, higher than Assistant Engineer, little lesser than Executive Engineer. So very important post, and students are shortlisted for document verification hoga, aur uske baad fir unka interview hoga. To ye sara detail uska diya hua hai, and dates and everything is given. 9 July se aapka ye interview start ho raha hai. Timings de rakha hai, board 1, board 2 de rakhe hain. Jis board mein aapka interview wo de rakha hai, jaise in candidates ka jinka roll number ye hai, aur un candidates ka kaun sa board hoga aur kaise interview hoga sara de rakha hai. एंड नेक्स्ट बोर्ड इज़ लाइक जिन कैंडिडेट्स का इस बोर्ड में पढ़ा, बोर्ड टू वो ऐसा होगा. अब फ्रेंड्स, इंटरव्यू की स्टेज है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और आप कोई भी यू कैन नॉट टेक एनी चांस फॉर दैट. इसलिए आप अपना अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना. वो आपसे आपका बैकग्राउंड, जो आप इंट्रोडक्शन देते हैं व्हेन यू इंट्रोड्यूस, देन व्हाट एवर यू से इन द इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स फ्रॉम देयर. एंड मैनी स्टूडेंट्स स्टिल आर गोइंग टू द इंटरव्यू विदाउट प्रिपरेशन. I tell you honestly, without proper preparation, if you go for the interview, you may not perform very nicely. So, interaction with the mentors of Yourpedia and lot of HR and lot of technical snaps are very very important. And as you know, Yourpedia is a dedicated platform mentoring students for such jobs, state public service commission, public sectors, placements, so much. This is a dedicated YouTube channel of Yourpedia where we keep on sharing lot of mocks, snaps and interview experience of the candidates. तो आप इसकी अच्छे तरीके से तैयारी करना. उड़ीसा का नॉलेज होना चाहिए आपको, एक उड़ीसा का सर्टिफिकेट भी चाहिए, उड़ीसा एज उड़िया लैंग्वेज का, वो डिटेल नीचे दे रखा है. आपको उड़ीसा का नॉलेज होना चाहिए, आपको अपना बैकग्राउंड का नॉलेज होना चाहिए, बी टेक प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, एम टेक कर रहे हैं तो एम टेक के प्रोजेक्ट का नॉलेज होना चाहिए. यू शुड हैव नॉलेज अबाउट वट इज़ करंट डेवलपमेंट्स इन द स्टेट, मे बी हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. न्यू गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड, सो न्यू मिनिस्टर्स विल बी देयर, अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हु आर द मिनिस्टर्स. यू शुड विजिट द वेबसाइट ऑफ योर डिपार्टमेंट एंड यू शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द डिपार्टमेंट ऑफ द उड़ीसा गवर्नमेंट. दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू डू. एंड ऑल्सो यू शुड हैव प्रैक्टिस, लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो देर आर टू थिंग्स विच यू शुड डू. वन इज, जो भी तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की, लिख लिख के करना. So if you are introducing yourself, if you want to introduce yourself and want to tell something in the introduction, you should have a written script with you. You should write a script of your introduction, and then accordingly you should basically introduce yourself. You should, whenever you are visiting the website of Odisha government or something, you should write what you have noted down, what you have seen, you have to write down. To har cheez ko likh ke aur ek notes banao, waise taiyari karo. अपना बी टेक एम टेक के प्रोजेक्ट के बारे में क्या बोलोगे उसको लिखो एक पेज पे, हाफ पेज पे. दैट इफ सपोज ही आस्क यू व्हाट वाज योर प्रोजेक्ट, एम टेक और बी टेक प्रोजेक्ट, यू शुड बी इन पोजीशन टू प्रॉपरली एक्सप्लेन दैट. और वो तभी होगा जब तुम लिख के करोगे. देर आर टू कॉमन मिस्टेक्स विच एवरीबडी इज डूइंग नाउअडेज व्हेन दे आर गोइंग फॉर इंटरव्यू. नंबर वन, वो लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो लिखते नहीं हैं, इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं, अपना जॉब एक्सपीरियंस के बारे में नहीं लिखते हैं, स्ट्रेंथ हॉबीज, अपना वीकनेसेस, क्यों ज्वाइन करना चाहते हो ये जॉब, वो नहीं लिखते हैं. दे डोंट राइट. एंड वंस यू डोंट राइट, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हो सकती. एंड सेकेंड इज, दे डोंट गो फॉर लॉट ऑफ मॉक्स एंड स्नैप्स. एक कल्चर ऐसा डेवलप हुआ है कि एक मॉक दे दिए तो तैयारी हो गई. नहीं, एक मॉक से काम नहीं चलेगा. यू शुड हैव एटलीस्ट 20-30 स्नैप्स. स्नैप मीन्स वन सब्जेक्ट वन मॉक, वन थीम वन मॉक, प्रोजेक्ट के ऊपर मॉक, इंट्रोडक्शन एचआर के ऊपर मॉक, एचआर के मल्टीपल मॉक्स, अलग अलग मेंटर आपके एचआर के मॉक्स लें. सो दे शुड बी अ टीम एक्चुअली हु आर आस्किंग डिफरेंट क्वेश्चंस. सॉफ्ट एचआर, टेक्निकल प्रोफेशनल एचआर, दोज थिंग्स शुड बी प्रॉपरली डन, एंड देन यू विल बी रेडी फॉर दिस. एंड आप सोचो, अगर आपका एक मार्क्स से फ्रेंड्स सिलेक्शन या रिजेक्शन में डिफरेंस आ जाए तो हाउ मच इट इज गोइंग टू बी पेनफुल फॉर यू. सो डोंट टेक एनी चांस एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग इमीडिएटली. इट इज़ अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, एस्पेशली दोज हु आर फ्रॉम उड़ीसा. एंड दिस इज वॉट इज द डिटेल्स. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस डिटेल.
ओके, सो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई थिंक सो दिस लिस्ट ऑफ 82 कैंडिडेट्स ऑफ उड़ीसा फॉर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। और एक वो और बात, मैकेनिकल के सारे मैराथन ऑलरेडी हैं आपके पास, उन मैराथन्स को गो थ्रू करो सो दैट आप अच्छे तरीके से सारे मैराथन को रिवाइज करके उसका प्रिपरेशन कर सकें। एक और वीडियो में डालने वाला हूँ अभी कि आपको डिटेल प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको भी बड़े ध्यान से सुनना एंड अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट्स को तैयार करने की ट्राई करो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।